दोस्तों, जंगली कुत्ते के शिकार के वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बार फिर से जंगली कुत्तों के हमले। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इन कुत्तों का कमीनापन देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले इन तीनों कुत्तों को देखो जो इस बेचारे एंटीलोप को चीरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि इन जंगली कुत्तों को हर समय भूख लगी होती है, लेकिन इनका शिकार करने का तरीका बहुत ही ज्यादा खूंखार होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि जंगल में और भी जानवर शिकार करते हैं, लेकिन इनका शिकार करने का तरीका सबसे खतरनाक और दर्दनाक होता है। दोस्तों सिर्फ ये जंगली कुत्ते ही नहीं, बल्कि कभी कभी पालतू कुत्ते भी अपना कमीनापन दिखा देते हैं, जैसे कि इन कुत्तों को देखो जो इस बकरी को पकड़कर मौत के घाट उतार देते हैं। और तो और ये कुत्ते इस बकरी को मारने के बाद इतना डर जाते हैं कि वहाँ से भाग जाना ही बेहतर लगता है। अब इस बुरे कुत्ते को देखो जो इस भेड़ की गर्दन को पकड़कर इसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पालतू कुत्ते जो हमें गलियों में घूमते हुए दिखाई देते थे, ये कब से इतने खतरनाक हो गए। और इस कुत्ते का तो क्या ही कहना, क्योंकि ये तो बेचारी पेड़ पर मौजूद चिपकली को उछलकर पकड़ लेता है और तीनों मिलकर चिपकली को मार देते हैं। अब दोस्तों हिरण पर तो जंगली कुत्तों को आपने कई बार हमला करते हुए देखा होगा, और ये क्लिप भी हिरण पर ही हमला करने की है, जैसे कि इस बेचारी हिरण को देखो जो बेचारी चट्टान किनारे इन कुत्तों के बीच फंस जाती है। और अगर ये कुत्ते एक बार किसी जानवर को घेर लेते हैं तो फिर उस जानवर की मौत तय हो जाती है, लेकिन हिरण भी शायद मौत को गले लगाने के मूड में नहीं था, इसलिए बेचारा हिरण अपनी जान बचाने के लिए कई बार पानी में कूदता है, लेकिन जंगली कुत्तों ने जैसे जाल बिछाया हुआ था और हर तरफ से इस बेचारे को पकड़ने के लिए खड़े थे। दोस्तों आप इन जंगली कुत्तों के शिकार करने की तकनीक को देखिए, क्योंकि ये शेर की तरह कभी भी जानवर की गर्दन पर हमला करके नहीं मारते, बल्कि जंगली कुत्ते तो जानवर का पिछवाड़ा नोचकर मारने में विश्वास रखते हैं, और इनकी ये तकनीक इन्हें शिकार भी दिलवा देती है। दोस्तों जंगली कुत्तों को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि जंगल में उन्हें किस जानवर का शिकार करना है, चाहे शिकार कितना भी बड़ा हो, ये साले हमला जरूर करते हैं। जैसे कि इस वाइल्ड बीस्ट को देखो जो कि साइज में काफी बड़ा है, और इनका एक हमला कुत्ते की जान भी ले सकता है, लेकिन कुत्ते भी सही समय का इंतजार करते हैं और सही मौका मिलते ही वाइल्ड बीस्ट पर हमला कर कुत्ते इसका काम तमाम कर देते हैं। दोस्तों मुझे तो सच में लगता है कि जंगली कुत्तों से समझदार जानवर जंगल में कोई और नहीं होता, क्योंकि शेर जैसे जानवर शिकार न मिलने पर दो दो दिन तक भूखे रहते हैं, लेकिन ये कुत्ते कहीं ना कहीं से शिकार ढूंढ ही लेते हैं। और ये वाइल्ड बीस्ट तो बेचारा बहुत ही ज्यादा खतरे में है, और इस बात का अंदाजा तो आपको इस वाइल्ड बीस्ट की हालत से ही लग गया होगा। दोस्तों आप जरा इन कुत्तों का टीम वर्क देखो, क्योंकि इस टीम वर्क की वजह से कभी ये भूखे नहीं सोते और हमेशा इन्हें शिकार मिल जाता है। दोस्तों जमीन हो या फिर पानी, जंगली कुत्तों को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें तो बस अपना शिकार सामने दिखता है जिसे पकड़ने के लिए ये कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ घंटों मेहनत करने के बाद आखिर इस सांबर को ये कुत्ते पकड़ ही लेते हैं और सांबर को पानी में मारकर जमीन पर लाकर आराम से खाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही एनिमल लाइफ से जुड़ी हुई वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे मैं लाता रहूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।